अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जैद। आप देख रहे हैं उम्मी को मिलो। मैं खा रहा हूँ नाश्ता। अच्छा, नाश्ता आप अभी खा रहे हो? मैंने तो कर लिया। मैंने आपके लिए दाल भी बचा के रख दी थी फ्री पैन में, ठीक है ना, और ये रोटी भी बना के रख दी थी। चाय तो आप वैसे गिलास भर लेते हो, मुझे क्यों आप हाफ कप देते हो? मुझे भी फुल कप दिया करो। आज बारिश थी, मेरे जिसमें दर्द था तो आपने हाफ कप दिया है मुझे। आप खुद गिलास भर लेते हो? हाँ, आप कभी कहते हैं आधा दो, आप कभी कहते हैं फूल दो, इसलिए मैं अपना क्या बात रख देता हूँ। मुझे ऐसा, मेरी बात सुनो, मैम की आई है कॉल, ठीक है ना, वाई से भी भेजी है उसने कि ना आप आए आज, हमें ना अपना काम चेक करवाएं, काम चेक करवाएं, क्योंकि ये आप कुकिंग भी करके दें और सफाई भी करें, शीशे वगैरह साफ भी करें, सही है ना, क्योंकि शीशे काफ़ी उस दिन भी ख़राब हुए हुए थे जब मैं गई थी। तो हम लोग ऐसे काम करके उनको दे आए, कोई फ़ायदा है? आप खुद सोचो। आपने साहब से बात की है? क्या कहते हैं? कहते हैं हम पे बढ़ा देंगे, छुट्टी नहीं देंगे। मुझे पहले पता था ये यही काम करेंगे, इनको इतनी सर्विस वाला कौन मिलता है? खुद सोचो आप, 24 घंटे की सर्विस और सारे घर को संभालना, उनको पता भी नहीं है कि कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, सही है ना। तो ना मैंने भी मैम से बात की है, उसने कहा है कि वहीं पे हम लोग आपको देंगे, लेकिन आप घर ना छोड़ो, हम लोग नहीं जाने देंगे। मुझे तो उसने धमकी दी है, उसने कहा है कि अगर आप घर छोड़ेंगे ना, किसी और घर जाएंगे जॉब के लिए, तो ना मैं ना वो पर्चा करवा दूँगी, पुलिस में डलवा दूँगी। आपको साहब ने यही कहा है? हाँ, तो ना फिर ना इनका घर क्या करें। अब उसकी कॉलें आ रही हैं दूसरी मैम की, कहती है कि आप आओ आओ, सही है ना। आज मैं जाऊंगी सही, क्योंकि मैं उनको ना पक्का डन करके आई थी, वो पे भी अच्छी दे रहे थे, तो उनका काम भी काफ़ी है, उनका ऊपर नीचे का काम है, सही है ना, कुकिंग भी करेंगे। वो कहती है कपड़े भी प्रेस करके दो, इधर कपड़े तो प्रेस नहीं करते ना हम लोग, कभी कभार मैम को करके देते हैं, साहब जी तो वैसे करवाते हैं, सही है ना। उसके बाद हम लोग कैसे उनको इतनी, वो छोटा बच्चा, कहती है छोटा बच्चा है उसको भी संभालो, छोटा बच्चा कितनी तंग करता है। हाँ जी, बहुत तंग करता है। हाँ, आप खुद सोचो। तो मैं तो कहती हूँ हम लोग फ़िलहाल इधर सही है, क्योंकि ये भी इनका दिमाग भी ठिकाने लग गया है, जब से इन्होंने सुना है ना ये जा रही हैं, तो इन्होंने पे भी बढ़ाई है और इतना फालतू काम भी नहीं बताती, जो बात करते हैं अब चुप ही घर जाती है। मैं पहले तो टर टर करती थी, ये है, यूँ है, फलान है, तो क्या करें फिर? ऐसा करें आप, इधर इधर सही है, यही हिसाब से कर रहे हैं हम, यही पे सही है, वहाँ पे काम भी बहुत है, इधर कुछ काम भी है, सही कर रहे हैं। हाँ, 3 साल से हम लोग इधर रह रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक मरतबा इस घर को छोड़ते हैं ना, तो दूसरी कहीं और जाते हैं, तो दोबारा फिर आने की तवक्को ना रखें, क्योंकि ये फिर और मासी वैसे हम जैसे तो इनको कभी भी नहीं मिलेगी। कैसे किसी के घर को चमकाना कोई आम बात नहीं होती। वो कहती है आओ हमें काम करके दो, अब हम लोग जाएं ये छुट्टी नहीं देते, सही है ना, हम लोग उनको फालतू में काम करके दें एक दिन की अपनी जान मारें, फ़ायदा है कोई? वो हमें मजदूरी थोड़ी देगी, सही है ना। तो आज मैं जाऊंगी उधर, ठीक है, उनके साथ ना बात करके ना फिर उनको कह आऊँगी मैं काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये हम लोग थे अकेले घर में, मैं और मुजाहिद। तो मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, दो हम अफराद थे सिर्फ, ठीक है ना। तो मैंने आलू फ्राई कर लिए हल्के से, इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है ग्राइंड करके, और सुर्ख मिर्च बस, और हल्दी डाली है और नमक डाला है बस, इसमें और मैंने कुछ भी नहीं डाला, सही है ना। मैम और उसके हस्बैंड और पूरी फैमिली, इनविटेशन उनको कार्ड था कोई, पता नहीं दावत थी, वहाँ गए हुए थे, तो इस वजह से मैंने आलू फ्राई किए हैं। फिर मैंने आलू खाए हैं, मतलब खाना खाया है मैंने और मुजाहिद ने, सही है ना। तो उसके बाद ये देखिए मैंने इसमें सूखी मेथी भी डाली है हल्की सी, ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। तो क्योंकि हम लोग दो थे, इस वजह से मैंने कहा आलू फ्राई कर लेते हैं। मुझे ने कहा आलू भी मुझे शौक से खाता है,
तो मैंने कहा ठीक है, ये आलू फ्राई किए हैं। आलू फ्राई करने के बाद फिर मैं गई हूँ अपनी सिस्टर के घर, सही है ना, जहाँ पे वो रहती है। तो अच्छा मौसम था, वैसे भी घर का काम सारा काम कर लिया था, फारिग बैठे हुए थे मैं और मुजैद। फिर हम लोग बाहर निकले, ये देखिए ये कितना अच्छा मौसम है, ऊपर बादल हैं, तो दरमियान में कबूतर थे। मुजैद है कबूतर का शौकीन, उसने इसकी पिक खींची है कबूतरों की, क्योंकि मुजैद के बाद भी कबूतर हैं। मैं आज आपको वो भी दिखाऊंगी उसके। तो रास्ते में ये देखिए सब्ज़ी आई है, तो मैंने ये चेक किए की है, लेकिन मैंने ली तो नहीं है क्योंकि मैं किसी के घर जा रही थी। ये देखें ये कितना, मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ, वहाँ पे घर है, घर के सामने देखें कितना अच्छा लॉन बना हुआ है, बेहतरीन सब्जा ही सब्जा है। तो ये उनके घर का व्यू है, ये लॉन है। तो ये देखिए मैं वहाँ गई हूँ, मैंने कहा खाली हाथ ना जाऊँ, इससे बेहतर है मैं, अच्छा मौसम है, समोसे लेती जाऊँ, समोसे और पकोड़े रास्ते में गरम गरम बन रहे थे, तो मैंने वो लिए हैं उनके लिए, ताकि मैंने कहा खाली हाथ ना जाऊं, इस वजह से मैंने समोसे और पकोड़े लिए हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा था। और उन्होंने ये देखे हल्के से मैंने राइस खा लिए हैं, तो हल्के से बचे हुए थे, मुझे याद आया कि मैं अपने व्यूअर के साथ शेयर करूंगी। उन्होंने मुझे ये मीठे राइस भी दिए हैं और पुलाव भी दिया है, देख के बने हुए थे ये ना, तो ये देखे ये मैंने मिक्स करके खाए हैं, सरदा भी और पुलाव भी, ठीक है ना, नमकीन भी और मीठा भी मैंने मिक्स करके खाया है, मुझे अच्छे लगते हैं मिक्स करके खाना। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये राइस खाए हैं, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने खाया हुआ था घर से, इस वजह से मैंने थोड़े से राइस लिए हैं, मुजैद ने भी खाए हैं। तो फिर हम लोग वापस, फिर लेट हो गए थे काफ़ी ना, अंधेरा हो गया था। फिर मैंने मुजैद को पाए कि ये देखें ये उनके रूम का ना व्यू है, मैंने कहा ये इसकी भी मैं पिक्स ले लेती हूँ हल्की सी जहाँ पे मैं गई हूँ। तो देखिए मेरे चैनल को, ये देखिए ये अंधेरा हो गया, अब मैं वापस जा रही हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, तब अल्लाह हाफिज़।